अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WTV न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की खास रिपोर्ट। MLA नामपली जाफर हुसैन ने कहा कि कमिश्नर ऑफ हैदराबाद श्री अंजनी कुमार IPS ने कहा कि किसी भी पान शॉप वालों को पुलिस की तरफ से हरासानी नहीं होगी। जाफर हुसैन मेराज ने नामपली पर 999 पान शॉप पर जाकर बैनर लगाया कि जिसमें लिखा है कि हम गुटखा नहीं बेचेंगे और यहां गुटखा नहीं मिलता है। पान शॉप एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने AIMIM प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP हैदराबाद और AIMIM के MLAs का शुक्रिया अदा किया। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। और ये बोलिए कि अब हम फ्री हो गए मत समझिए। आपका लगाना बैनर बहुत जरूरी है, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई तकलीफ भी आपको नहीं आएगी, यही चीज हमारी ख्वाहिश है। और नखीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो कामयाब नुमाइंदगी के तौर पे आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहानहु तआला ने पिछले एक हफ्ते से जो कारोबार लोग बंद करे हुए थे, इंशाल्लाह अब कारोबार में तकलीफ नहीं आएगी। मैं राइट नाउ सुबहान बेकरी के सामने 999 पान शॉप पे आया हूँ। यहाँ पर मैं अपने हाथ से बैनर लगाया हूँ और मैं एसोसिएशन को जिम्मेदारी देता हूँ, हर पान के डब्बे वाला बैनर लगाना ज़रूरी है। अगर ये बैनर पान के डब्बे वाला नहीं लगाएगा तो पुलिस आके अगर हरासान करी और अगर फर्ज करो उनको पकड़ी तो जिसकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। मैं फिर एक मरतबा पान शॉप एसोसिएशन से और जनरल स्टोर वालों से अपील करना चाहता हूँ, आप लोग मेहरबानी करके लोगों की जिंदगियों से मत खेलिए, आप गुटखा मत बेचिए, खैनी मत बेचिए। यही मेरी आपसे अदबन दरख्वास्त है। मैं खुद आके अभी पान खाया हूँ, ना ये गुटखा है ना कुछ है, सीधा सीधा पान है। तो मैं आपसे ख्वाहिश करना चाहता हूँ इसको प्रमोट करिए और हर पान शॉप पे बैनर ज़रूर लगाइए। अब एसोसिएशन के सेक्रेटरी साहब इंशाल्लाह दो लफ्ज़ बोलेंगे और इन लोगों को मैं ये जिम्मेदारी देना चाहता हूँ।